जय हिंद, मैं सुजीत आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि एक्सेल में बेसिक सैलरी सीट होता है जो किस प्रकार से बनाया जाता है, साथ ही उसका जो एक्स्ट्रा इनकम होता है, टोटल इनकम होता है, एक्सपेंस होता है, वो सारे के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे और साथ ही जो है कंडीशनिंग जो फॉर्मेटिंग ऑप्शन है उसके बारे में भी विस्तार से देखेंगे। तो हाँ, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। साथ ही यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल मुफ्त है। तो चलिए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन बोर्ड पे। इसके लिए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन बोर्ड पे आ गए और कंप्यूटर स्क्रीन बोर्ड पे आने के बाद हम लोग कहाँ गए, ये एक्सेल सीट में। एक्सेल सीट में आने के बाद देखिए ये जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है तो इसको जैसे हम यहाँ से अगर मिटा देते, चलिए यहाँ से क्या करते हैं क्लियर कर दिए, ऑल क्लियर। यहाँ से अगर एक टाइप कर, तो एक टाइप के बाद करने के बाद क्या होगा, आपको कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करना होगा। ड्रैग कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये जहाँ तक ले जाइएगा वो नंबरिंग आ जाएगा सीरियल नंबर, इसको थोड़ा कम चौड़ा कर दीजिए। और इसमें देखिए इम्प्लॉय नेम, जो इम्प्लॉय नेम हो गया, आयरन मैन हो गया, अशोक सिंह हो गया, तो ये सारा ये उसका नाम हो गया। उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका जन्म जो दिन है, जन्म तिथि कितना है वो हो गया। उसके बाद क्या, हाउ मेनी एयर्स, सिर्फ इसमें हम एयर्स निकालते हैं, आज तक का कितना साल हो गया वो निकालते हैं। उसके बाद डेजिनेशन, उसका कौन सा पद है, जैसे इसका मैनेजर हो गया, आयरन मैन का हो गया, उसके बाद अशोक सिंह का क्लर्क हो गया, इसी प्रकार से हम सारा का जो पद है जो दे दिए। अब आ गया उसका बेसिक सैलरी, किस प्रकार से उसका सैलरी मिलता है वो सारा काम का इसमें हम दे दिए। और बेसिक सैलरी देने के बाद ना यहाँ पे वर्कर है, वर्कर का कितना है 19,000, तो यहाँ भी वर्कर का कितना हो जाएगा 19,000 ही होगा, ठीक। और यहाँ क्लर्क का 25, 15, यहाँ 15 ही होगा। और उसके बाद सुपरवाइजर का कितना है, यहाँ पे है 35, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 35 ही होना चाहिए, 35,000। उसके बाद यहाँ भी 35 ही हो जाएगा, ठीक, ये भी 35,000। उसके बाद क्लर्क का कितना हो गया 15,000, वर्कर का हो गया 19,000, उसके बाद मैनेजर का 25,000, यहाँ भी मैनेजर का कितना हो जाएगा 25,000 हो जाएगा। और इसके बाद क्लर्क का 18,000, क्लर्क का 18,000 या 15,000, इसको हम कितना कर देंगे 15,000, चलिए हो गया। उसके बाद एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए अगर देखिए, अगर आपके ये जो इस प्रकार से लिखा हुआ है और ऊपर और नीचे नहीं होगा तो इसको कम कर लीजिएगा। कम करने के बाद यहाँ रैपिंग टेक्स्ट पे आके है ना क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये ऊपर नीचे आ जाएगा। चलिए इसके बाद क्या करना है, एक्सपेंस कितना खर्च होता है वो हो गया, उसका टोटल इनकम है जो हो गया, इस प्रकार से कर लिए। देखिए इसको जो ऊपर का इसको बोल्ट करना है तो आप यहाँ से बोल्ट कर सकते हैं या कंट्रोल बी से बोल्ट कर सकते हैं। तो अब हमको क्या निकालना है, एयर्स कितना साल का वो हो गया जो, तो इसके बाद एयर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, डेट, सबसे पहले तो आप एक्सेल में काम कर रहे हैं तो किसी फॉर्मूला जो काम कब करेगा जब आप इज इक्वल टू के बाद काम कीजिएगा, अब क्या होगा डेट, उसके बाद डेट डी इफ, इसके बाद फिर ओपन ब्रैकेट हो जाएगा, उसके बाद क्या देखिए यहाँ पे कॉलम, कॉलम कौन सा है सी, कॉलम सी और ये दूसरा है तो क्या हो जाएगा सी टू, क्या हो जाएगा सी टू कॉमा आज तक के, तो लिख देंगे टूडे, क्या टूडे, उसके बाद ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कॉमा, उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा में इसके बाद क्या देना है वाई दे देना है, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना है और उसके बाद कोस्ट भी हम ओपन किए थे वो भी बंद कर देना है, उसके बाद इंटर दे देना। तो इस प्रकार से निकल गया, अब एक निकल गया है वही करना है, कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक करके उसका ड्रैग कर देना है, इस प्रकार से ड्रैग कर दिए तो ये तो इसका हो गया जो कितना साल का हो गया ये हो गया। इसको अगर सेंटर करना चाहते हैं तो यहाँ से सेंटर आप कर सकते हैं, ये सारा जो काम किए सभी को सेंटर करना चाहते हैं, कंट्रोल ले से ऑल सेलेक्ट करके यहाँ से सेंटर आप, ये तो ऊपर हो गया, यहाँ से सेंटर कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, ये तो इसका पद हो गया और बेसिक सैलरी हो गया, एक्स्ट्रा इनकम हो गया, एक्सपेंस हो गया, अब इसमें टोटल निकालना। देखिए तो टोटल निकालने के लिए या तो अभी दोनों को जोड़ के फिर इसको घटाए, नहीं तो एक ही बार में निकालना है तो निकाल दीजिए, इक्वल टू दीजिए, उसके बाद इसको और इसको जोड़ना है, बेसिक सैलरी और एक्स्ट्रा इनकम को क्या करना है जोड़ना, ऐड करना, तो क्या एफ टू, तो क्या देना एफ टू प्लस, उसके बाद फिर क्या है जी टू, जी टू, और उसके बाद इसको है जो क्या है एक्सपेंस को, एक्सपेंस बोले तो खर्चा, इसको घटाना है तो ये हो गया एच, क्या हो गया एच टू, उसके बाद क्या कर देना है इंटर कर देना है। अब एक हो गया तो इसके बाद क्या करना है, कंट्रोल के साथ ड्रैग करके सीधा लेफ्ट क्लिक करके आप ड्रैग कर दीजिए, ये तो हो गया। अब इसमें हम देखने जा रहे हैं
कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसमें है जो विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिया हुआ है जिसके कारण हम डाटा को हम एक अच्छे ढंग से अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग आने में आने के बाद उसके बाद क्या है, सबसे पहले हाईलाइट सेल रोल्स है, तो ग्रेटर देन पहले सबसे कितना से ज़्यादा कौन कमाता है वो यहाँ देखने के लिए, बाय द वे हम अगर दे देंगे यहाँ पे 15,000 से ज़्यादा कौन सब कमाता है, तो इसमें दो ही आदमी है जो 15,000 से कम कमाता है, एक रवि वर्मा हो गया और एक हो गया कौन हो गया अशोक सिंह, ये दोनों है जो कितना 15,000 से कम कमाता है, बाकी सब का सब इसमें कितना 15,000 से ज्यादा कमाता है। तो यहाँ पे ये देखने के लिए किससे ज्यादा है वो, अब लेस देन कितना से कम जो है, तो इसमें हम बाय द वे 20,000 से कम कौन सब कमाता है, ठीक, तो इसमें सारा का आ गया डाटा 20,000 से कम वाला को, यह है 21 है, तो जो इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ जो आया है लेस देन किया है तो इसमें जो कलर किया है कलर भी क्या करना है येल्लो वगैरह जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। चलिए इस प्रकार से कर सकते हैं। अब इसके बाद फिर क्या करना है, लेस देन ग्रेटर देन तो समझ गया, बिटवीन, अब बिटवीन समझने के लिए क्या करेंगे, जैसे इसमें कितना से कितना के बीच में, तो जैसे कोई 15,000 से लेके 20,000 के बीच में कितना आदमी कमाता है, तो ये सब जो 15,000 से 20,000 के बीच में इतना आदमी कमाता है, तीन आदमी है जो कमा रहा है, राजेंद्र वर्मा हो गया और उसके बाद हो गया शंकर यादव, उसके बाद विनोद काले, इतना तीन आदमी है जो 15 और 20 हजार से बीच में कमाता है। चलिए इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं इससे अगला, ये हो गया उसका इज इक्वल टू, कितना की इज इक्वल टू, तो जितना डालेगा उतना की इज इक्वल टू दे देगा, ठीक। और इसके बाद फिर क्या है इसमें टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट अगर फाइंड करना है जिसको कंटेंट को लिखना है, जैसे मैनेजर पद के लिए या कोई पद, अगर क्लर्क पद के लिए तो क्लर्क पद पे कौन कौन है जो देखना चाहते हैं, या उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो क्लर्क लिख दिया, क्लर्क लिखने के बाद पहले तो क्या करना होगा आपको डाटा सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट करने के बाद अब आइए फॉर्मेट कंडीशनल में, और आने के बाद अब यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट, अब लिखिए कलर्क, ठीक, सी एल तभी लिखिए, ये हाईलाइट यहाँ पे होने लगा, देखिए कलर्क पद पे इतना तीन आदमी है वो आ गया, ठीक। तो इस प्रकार से कोई भी टेक्स्ट कौन सा पद है उसको देखने के लिए यहाँ से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद क्या है एवब एक्यूरेसी, तो इसका क्या काम है, तो कब से कब का डेट, इसमें हम डेट के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कब से पहले का, तो इसमें स्टरडे स्टरडे हो गया, कल से पहले का, टुडे हो गया, टुमोरो हो गया, आज, इसी प्रकार से हम इसका उपयोग करके हम यहाँ से हम डेट के लिए उपयोग करते हैं। तो इसमें सब डेट के बारे में हम नहीं जाने हैं, तो चलिए आगे हम लोग इसे जानेंगे। और इसके बाद क्या है, तो इसके बाद है इज इक्वल टू, ये हो गया, ये सारा डाटाबेस हो गया, उसके बाद यहाँ से परसेंटेज वगैरह इसमें निकालना है, तो इसको प्रत्येक को आप देख के देखिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार ऑप्शन सब है। उसके बाद क्या है डाटा बार्स, डाटा बार्स में क्या है, देखिए इसमें डाटा क्या है, जिसका यहाँ पे ज़्यादा कमाई है उसका ज़्यादा तक हाईलाइट है, और जिसका कम है, देखिए यहाँ 13,236 इसका सबसे कम है तो इसका कम है, इसका ज़्यादा है तो ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा इसका है, तो इसका डाटा बेस है ना जो जिस हिसाब से, अगर इसका अर्निंग है, अर्निंग के हिसाब से ये डाटा बेस है जो दिखाता है। इसमें कलर वगैरह भी कर सकते हैं, इस प्रकार से हम कलर करके देख सकते हैं, और इसमें मैं यहाँ है, यहाँ से भी हम कर सकते हैं, ठीक, यहाँ से भी डाटा से कलर करके जो डाटा बेस हिसाब है उसका। अभी देखिए यहाँ से आइकन, आइकन का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसमें आइकन है, इसमें ज़्यादा रहेगा उसके ऊपर की ओर तीर हो जाएगा, मीडियम वाला हो जाएगा ऐसे मीडियम का सीन, और उसके बाद जो कम रहेगा वो नीचे की ओर, तो इस प्रकार से हम यहाँ से इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ टावर वाला जो अगर ये है इसका, अगर जैसे पहले का जो मोबाइल आता था, अभी भी मोबाइल जो आता है बटन वाला उसमें भी टावर रहता है, तो टावर का जो रहता है तो इस प्रकार से हम दे सकते हैं, जिसका ज़्यादा रहेगा उसमें ज़्यादा टावर आ जाएगा। तो ये तो ऑल में है, तो हमको ऑल में नहीं देना है, ऑल में नहीं देना है, हमको क्या करना, यहाँ पे सिर्फ इसका जो टोटल इनकम है इसमें देना है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसमें इस प्रकार से डाटाबेस आ गया, नहीं तो आइकन, आइकन के हिसाब से देखिए, ये अगर जैसे 36,000 ये सब ज़्यादा कमा रहा है तो इसका ऊपर की ओर हो जाएगा, मीडियम वाला को मीडियम की ओर, एक नीचे वाला का नीचे की ओर, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को देख सकते हैं। और ये सारा है ना जो डाटाबेस इसी प्रकार से दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले